दफा मैंने जामिया से MBA किया था, उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स में ले लिया था एडमिशन, क्योंकि UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कभी कोटेज का हिस्सा नहीं था, मैं उस दिन लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। ये 5:30 की मैं 5:30 में लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, उसके बाद चारों तरफ से टीयर गैस का आवाज आने लगी थी। उस लाइब्रेरी में 20-25 बच्चे थे, जिसमें से 10 लड़कियां थी और 15 बच्चे थे। मैं लाइब्रेरी में चारों तरफ से घिर लिया था, मैं बहुत डर गया था। हम लोगों ने अंदर से बंद करके लाइब्रेरी को, फिर उसके बाद पुलिस आती है और धक्का देने लगती है, स्टॉर्म करके अंदर घुस गई और मैं सबसे लास्ट में बैठा हुआ था। वो लाठी बरसाना शुरू कर दिया उन्होंने चारों तरफ से, मतलब हेड पे भी मारा, जैसे ही हेड पे मारा दोनों हाथ ऊपर कर दिया, दोनों हाथ जैसे ऊपर कर दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो गए। उसके बाद मेरा लैपटॉप तोड़ दिया उन्होंने लाठी मार के, स्टेयर से मारते मारते दौड़ाते दौड़ाते मैं बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो ऊपर मारना छोड़ दिया, फिर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मारा है उन्होंने, साइड में बहुत ज्यादा, फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद यहाँ पे मारने लगे। सर एक बार थोड़ा इधर टर्न करवा दीजिए। और लास्ट नंबर तक गेट तक मुझे मारते रहे, बेहोश होता रहा, मारते रहे। और उन्होंने सबसे बुरा एक्सपीरियंस ये हुआ था कि ऐसे बोल रहे, डिस्कस्टिंग ये था कि कह रहे थे कि कलमा पढ़ लो, तो उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेफरेंस ये था कि तुम मरने जा रहे हो और ये कह रहे कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है मोदी से, अमित शाह से। ऐसे ऐसे मैंने स्टेटमेंट सुना कि लगा कि मुझे कैसे पुलिस बायस हो गई है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। उसके बाद मुझे बैठाया गया, 6:30 में हमें वहां लाया गया न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन पे। वहां पे 17 लोग अरेस्ट हुए थे, सबको नीचे बैठाया गया ठंड के दिन में। वहां पे फ्लोर पे कुछ दिया नहीं गया था बैठने के लिए, सब लोग हम ऐसे ही बैठ गए। उसके बाद मुझे बहुत दर्द हो रही थी सर में और हाथ में और यहाँ पे। मैंने बोला कि भाई पेन किलर दे दो या हमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दे दो, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। मैं बोला कि भाई इतनी हो रही है कि मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेट देम डाई। और उसके बाद क्या उन्होंने डिलीवरेटली किया था कि उनका नेम प्लेट जो था उनका अंदर का जैकेट ऊपर से चढ़ा लिया था, तो आप उनका नाम नहीं बता सकते कौन कौन लोग थे वो लोग। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक फिर हमारे कोलिन ग्लान सालवे जो एडवोकेट है वो पहुंच मिलने की कोशिश करते हैं, उनको भी मिला नहीं, मिलने नहीं दिया जाता है हम लोगों से। बाद में मिले, उसके बाद हमारा 2 बजे हम लोग अरेस्ट हुए थे, 7 बजे 2 बजे हमारा MLC हुआ। MLC का भी एविडेंस हम मेरे पास है, आप देख सकते हैं। MLC का 3 बजे भेजा गया MLC के लिए एम्स में। उसके बाद हमें 6:30 में छोड़ा गया। तो क्या हो गया, तो मैं इतना डर गया हूँ, ऐसा लग रहा था कि माइक 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 को स्वच्छ भारत पे उज्वला स्कीम पे दिल जीतने के बजाय ऐसे कंटेंशियस इशू लेकर दिल डिवाइड कर रही है। इस गवर्नमेंट को सारी चीज टीमलेस ड्राइव इतना अच्छा कर रही है, इस पे दिल जीतना चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे डिविजिव पॉलिसी बनाना चाहिए। जामिया में हम लोगों ने जब बिल पार्लियामेंट में बहस शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने जब वो बिल था CAB के खिलाफ, हमने जब बहस शुरू भी नहीं हुई थी तो हमने इस पर कॉल दिया था और सरकार से ये कहा थे कि ये एंटी संविधान बिल है, ये जो नागरिकता की आप बात कर रहे हैं, ये नागरिकता आप सबको देंगे सिर्फ मुसलमानों को क्यों नहीं देंगे। तो हम इस पर अपनी विरोध जता रहे थे और जामिया के अंदर हमने अपने विरोध का जो है शुरुआत किया था कुछ साथियों के साथ मिलकर, और
दिल से एक्ट बनते बनते तकरीबन हमने जामिया में 10 से ज्यादा प्रोटेस्ट किया, जिसमें हमारी बहनें भी अलग से प्रोटेस्ट की, हमारे भाइयों ने अलग से प्रोटेस्ट किया, डिपार्टमेंट वाइज प्रोटेस्ट हुए, जगह जगह हमने सरकार से का विरोध किया, इस बुबिल का विरोध किया। जब हमने जामिया से बाहर निकलना, यानी कि ये कोई जामिया का मोमेंट नहीं था, ये पूरी कौम का मोमेंट है, पूरे हिंदुस्तान का मोमेंट है, संविधान बचाने की लड़ाई थी, तो हमने अपने साथियों के साथ ये फैसला लिया कि हम इस मोमेंट को जामिया से बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए जब हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो हमने मार्च का कॉल दिया, तो कॉल देने के बाद हम लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, यानी दिल्ली पुलिस और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग इसका विरोध करते हैं कि आप लोग जामिया के सड़कों तक रहें, जामिया से सड़कों से बाहर नहीं जाएं, पार्लियामेंट स्ट्रीट का मार्च नहीं करें। मेरे पास फोन है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है SHO साहब का, उपेंद्र सिंह नाम है, उनके कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है। उन्होंने मुझे धमकियां दी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी ये जो नेतागिरी है इसको खत्म करा देंगे, इस तरह के वर्ड जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है होता है फ्राइडे के दिन, यानी 12 तारीख को। 12 तारीख को हम लोग जब प्रोटेस्ट के लिए अपने टाइम के अनुसार निकलते हैं, तो दिल्ली पुलिस सबसे पहले हमें अरेस्ट कर लेती है, सबसे पहले हमें डिटेन कर लेती है और हमारे 40 साथियों को डिटेन करके बदरपुर थाने में ले जाती है और 4 घंटे तक बंद रखती है। और उसका ये नतीजा ये होता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो साथी बचते हैं उन पे लाठी चार्ज होते हैं, उन पे आंसू के गैस के गोले बरसाए जाते हैं, पूरे जामिया को जो है इन लोगों ने खून के बूंद में तब्दील कर देते हैं ये जो दिल्ली पुलिस है। पूरा जामिया और पूरा जामिया का जो इलाका है वो खौफ में होता है, फिर भी हमारे साथी हिम्मत नहीं हारते हैं। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग जो है जामिया के अंदर जो है अपना विरोध जारी रखते हैं, ये जो मोमेंट जो तहरीक का शुरू किया था उसको हम लोग जारी रखते हुए नेक्स्ट डे फिर हम लोग जामिया में मोबिलाइजेशन और दूसरे काम करते हैं, लोगों के अवेयरनेस के लिए लोगों को बुलाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ आ रहे थे क्योंकि रात में लाठी चार्ज हुई थी, तो दिन में लोग हमारे साथ आ रहे थे हमारी सॉलिडेरिटी में, हमारे कैंपस में आ रहे और हमें तसल्ली दे रहे थे, इस बात को ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ इस लड़ाई में हैं, जामिया के साथ।